Hello everyone, how you people are doing? This is Nivedita from NSG Coaching, and there is a history lesson, Delhi Sultans, and this is important for your DSSP, KVS, CTET, UPT and other TET exams as well as other कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर है दिल्ली सुल्तान, इसमें से आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इस चैप्टर में से। तो ये चैप्टर का हम समरी देखेंगे, ठीक है। और ये मैंने एनसीईआरटी से समरी लिया है, जो कि केवीएस, सीटेट, यूपीटेट, डीएसएसपी में ज़रूर ही आता है, एक या दो क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएगा, ठीक है। इसके पहले आप एक काम, आपको जो काम करना है वो है बेल आइकन है, रेड कलर का बेल आइकन है, वो प्रेस करना है ताकि आप सब्सक्राइब करिए। और इसके लिए क्या करना है, आपको लाइक और शेयर भी करना है। सब्सक्रिप्शन से क्या होगा, आपको जो आगे इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो मिलते रहेंगे, आप कहीं भी आपका कोई भी छूटेगा नहीं वीडियो, ठीक है। तो इसके लिए हम चैप्टर बिगिन करते हैं, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। फर्स्ट वी सी कि यहाँ पे जो पहला शासन रहा है वो किन का रहा है। दिल्ली हमेशा से सुल्तानों की नहीं या मुगलों की नहीं रही, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली में जो शासन था पहले शासन था तोमरों का, तोमर वंशज थे यहाँ पे। तोमरों से चौहानों ने जीता, इनको युद्ध करके हराया, जो कि पहले चहमनास के नाम से जाना जाता था अजमेर के। यहाँ पे फिर चौहानों ने दिल्ली को जीता और फिर इसको एक कमर्शियल सेंटर के रूप में ये उभरा गया। यहाँ पे जैन मर्चेंट्स भी रहते थे, जिन्होंने सिटी में काफ़ी कंस्ट्रक्शंस और मंदिर वगैरह बनवाए। और ये दिल्ली जो नाम पड़ा, ये इसीलिए पड़ा क्योंकि जो कॉइन होते थे, मोहर होते थे, यहाँ पे इसको गला के बनाया जाता था। इसका इसको बोला क्या जाता था, इस प्रोसेसिंग को बोलते थे दहली वाल। तो इस दहली वाल से इसका जो नाम पड़ा, दिल्ली पड़ गया। और इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू कैपिटल सिटी दैट कंट्रोल अ वास्ट एरियाज ऑफ सब महाद्वीप को कंट्रोल करता था, स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ, कहाँ से इसकी नींव शुरू हुई, वो शुरू हुई सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ 13वीं शताब्दी की शुरुआत में, जो सल्तनत था उससे शुरू हुआ, ठीक है। अब दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मेनी सिटीज एंड उन्होंने बहुत सारे सिटीज बनाए। दिल्ली सुल्तान ने जैसे कि दिल्ली उखवाना, सिरी, जहापना, ठीक है, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, ठीक है, ये सारे सिटीज आप इस मैप में भी देख सकते हैं जो दिल्ली सुल्तान्स ने यहाँ से बनाए। ये दिल्ली है, आपका दिल्ली का मैप है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटीज के नाम दिए गए हैं। आगे देखते हैं, हम देखेंगे जो दिल्ली में जो सुल्तान थे, जो राजा महाराजा रहे, कौन कौन से कहाँ कहाँ किस टाइम पीरियड पे रहे। पहले जो डायनेस्टी की बात करते हैं वो राजपूता डायनेस्टी है, जो कि अर्ली 12th सेंचुरी में थी, 1165। यहाँ पे कौन थे, अनंगा पाला के नाम से राजा थे, 1130 to 1145 इनका राज चला। फिर चौहान आए, ठीक है। अब चौहानों में कब से कब तक था, 1165 to 1192। दैट इन दिस पृथ्वीराज चौहान वाज क्वाइट फेमस, हिज रीन पीरियड वाज 1175 to 1192। अर्ली उसके बाद आए, अर्ली टर्किश रूलर्स आए, 1206 to 1290। इनमें सबसे पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 to 1210, शमशुद्दीन इल्तमिश, 1210 to 1236, फिर रजिया सुल्ताना, दैट इज योर 1236 to 1240, देन ग्यासुद्दीन बलबन, 1266 to 1287। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी की, जो कि 1290 to 1320 तक रहे हैं। इसमें हैं जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1290 to 1296, एंड देन अलाउद्दीन खिलजी फ्रॉम 1296 to 1316 इनका डायनेस्टी रहा है। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी के बाद आए हैं तुगलक डायनेस्टी, दैट वाज टाइम पीरियड वाज 1320 to 1414, यू कैन सी हियर, दिस इज द टाइम पीरियड 1320 to 1440। ग्यासुद्दीन तुगलक इसके सबसे पहले जो इनके जो राजा रहे हैं वो ग्यासुद्दीन तुगलक थे, जिनका कि 1320 to 1324। देन मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि काफ़ी समय तक इन्होंने राज किया है, 1324 से 1351 तक। उसके बाद फिरोज जो आखिरी रहे इनमें हैं, फिरोज शाह तुगलक, 1351 to 1388 इनका रहा है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी जो रही है तुगलक डायनेस्टी के बाद, सैयद डायनेस्टी है, 1414 to 1451।
जिसमें कि खिजीर खान 1414 टू 1421 जो इम्पोर्टेंट रहे वो खिजीर खान के नाम से हैं। लास्ट जो डायनेस्टी है मुगलों के आने के पहले कौन से रहे, लोधी डायनेस्टी, जिनका की टाइम पीरियड रहा है 1451 टू 1526। इसके बाद जो है 1526 के बाद जो है हमारे मुगल्स आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, बहलूल लोधी जो मेन जो है इनके बहलूल लोधी हैं 1451 टू 1489 रहे हैं। ठीक है, दिस वाज ऑल फ्रॉम दिल्ली सुल्तान जो कौन कौन सी डायनेस्टी रही है मुगल्स बिफोर मुगल्स, मुगल के आने के पहले तक। इसके बाद हम आगे की बात और करेंगे वो नेक्स्ट वीडियोस में होगा, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। टिल देन इट इज निवेदिता फ्रॉम एनएसटी कोचिंग, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।